तो गाइस आज हम करेंगे ये मिक्सर का रिव्यू और क्या क्या फीचर है ये सब हम आज टेस्टिंग करके देखेंगे, कैसा इसका साउंड क्वालिटी है सब कुछ आज देखेंगे। और ये हम टेस्टिंग करेंगे अपने टावर होम थिएटर और ये ऊपर ये पड़ा सब ऊपर, और ये टावर होम थिएटर है। और आपको पिछली वीडियो में अगर देखो देखा होगा तो ये HF लगा है ये, और ये मिड रेंज के लिए है और ये सब ऊपर है बराबर। ये अपना पूरा होम थिएटर सिस्टम आज टेस्टिंग करके देखेंगे कि सब ऊपर कैसा बजता है, फिर ये होम थिएटर कैसा बजता है और ये HF का आवाज़ कैसा आता है। आज पूरा सब कुछ टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे। और ये एम्पलीफायर है जो पिछली वीडियो में, अगर देख लेना पिछली वीडियो अगर नहीं पता है तो, ये नीचे रखा है क्योंकि जगह नहीं थी तो मैंने नीचे रख दिया है बराबर। तो अभी चेक पहले लगाते हैं सब केबल कनेक्ट करते हैं बराबर। ये है एडेप्टर, ये मिक्सर का एडेप्टर है बराबर। तो इसको हम एक बार लगा लेते हैं। हाँ ये पहले बता देता हूँ कि ये 6 चैनल का है बराबर, 6 चैनल का है, बाकी स्टीरियो है 6 चैनल है बस। और अभी चेक करते हैं, ये लगाते हैं पावर केबल। ये इसमें पावर के लिए है ये एडेप्टर, और ये इसका तीनों का वायर है देखो। एक होम थिएटर में से ये पहली वाली ये पिन आ रही है अपने मिक्सर की है, ये है सबवूफर की और ये है होम थिएटर की बराबर। ये 3 पिन है। अभी इसको लगाते हैं पावर में। बराबर अभी स्टार्ट करते हैं बराबर। होम थिएटर में लाइट आ गई है, अभी चालू करते हैं ये बराबर। इसका साउंड चालू पड़ा है बराबर, सब स्टार्ट हो गया। अभी करते हैं मिक्सर को स्टार्ट बराबर। अभी इसको कनेक्ट करने के लिए मैंने जुगाड़ लगा के बनाया है एक पूरा केबल बराबर। ये इसका देखिए, ये पूरा जुगाड़ लगा के बनाया है तो अब देखो थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें ये वाला है, इसमें होम थिएटर में लगेगा, ये एम्पलीफायर में जाता है एक सिग्नल, एक जाएगा ये दो लगेंगे होम थिएटर में बराबर। और दूसरा ये वाला है, ये सबको मिक्स करके बनाए और ये लगेगा मिक्सर में। कहाँ पे गया, हाँ ये रहा बराबर। ये सब आपस में मिला के बनाया है, ये दो है और ये जा जाके यहाँ पे लगता है बराबर। तो अभी लगाते हैं इसको बराबर, इसको लगाते हैं होम थिएटर में। ये लेफ्ट और ये राइट। अभी ये दो बाकी रह गई है, इसको लगाएंगे मिक्सर में बराबर। अभी देख लेना आप कि हेडफोन लगा के सुनना तो उसमें पता चलेगा बराबर। ये राइट साइड का है और ये लेफ्ट का है, तो इसको लगाएंगे राइट में। ये आउटपुट है, ये लगा राइट में और इसको लगाएंगे लेफ्ट में बराबर। और दूसरा एक जुगाड़ करके लगाया है ये अपनी केबल, इसमें भी दो है स्टीरियो में है बराबर। और ये हेडफोन मतलब ये अपना मोबाइल में लगाएंगे इसको बराबर। तो इसको भी लगाते हैं मिक्सर में। अभी इसमें लगाता हूँ दूसरी और तीसरी दूसरे और तीसरे चैनल में लगाया बराबर, पहला नहीं लगाया दूसरा और तीसरा है बराबर। अभी इसको कनेक्ट करता हूँ मोबाइल में।
ये स्टार्ट हो गया अभी। हाँ, पहले वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं यहाँ से। अभी मिक्सर का कमाल देखते हैं कैसा है। ये दूसरी, ये हाँ अभी देखियो। अभी इसमें क्या है पहले दिखा देता हूँ। ये वॉल्यूम है मेन, बराबर। ये एक चैनल का पूरा है, ये दूसरे चैनल का, मतलब ये जो लाइन है पूरा वर्टिकल है से, ये एक चैनल है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, बराबर, छः चैनल। तो अभी दूसरा और तीसरे में लगाया है, और ये स्टीरियो में लगाया है, बराबर। और बराबर अभी देखते हैं ये। पहले बता देता हूँ कि ये एक चैनल है और ये कैसे काम करता है। तो ये मेन वॉल्यूम है, फिर ये इको के लिए है, फिर ये लेफ्ट राइट करने के लिए, मतलब लेफ्ट मतलब इस तरफ जाएगा तो ये साउंड से आवाज आएगा, अगर इस तरफ घुमाएंगे तो ये साउंड से आवाज आएगा, बराबर। और ये ट्रेबल, और ये बास, और ये गेन, गेन के लिए, वो सब फीचर देखते हैं, बराबर। अभी एक साइड का इस तरफ का स्पीकर चलाते हैं, कैसा आवाज आता है इसमें। और ये ट्रेबल है, बराबर, इसको बढ़ाता हूँ। ये कम किया, और ये ट्रिप बेस, मगर इसमें नहीं ना चलेगा ये, इसके लिए हम सब ऊपर को स्टार्ट करना पड़ेगा, बराबर। वॉल्यूम कम कर दी। अभी इसमें HF चलाएंगे, जो ये ऊपर लगे, ये अपने ये इस एम्पलीफायर में लगे हुए, बराबर। इसको हम अभी एक बार साउंड इसकी सुनते। बराबर इस तरफ से आवाज आएगी, आप हेडफोन लगा के सुनना, इस तरफ से आवाज आएगी, लेफ्ट राइट देख लेना, वरना फिर इधर का इधर होना जाए। बराबर अभी दोनों में आवाज आ रही होगी। ये सिर्फ मिड रेंज और HF दोनों ही चला है। अभी सब ऊपर चालू करते हैं। ये अभी सब ऊपर चालू कर दिया है। अभी सिर्फ इस तरफ से आवाज आ रहा होगा, और अभी एक चैनल पे हम देखते हैं कि इसका कैसा साउंड आ रहा है, बराबर। अभी ये है, ये वाला गेन है, बराबर। इसको अगर धीमा किया तो वो धीमा हो जाता है, और ये फुल हुआ। फिर ये बेस के लिए, तो ये बेस निकल गया अभी, और इसको बड़ा होगा तो अभी ये फुल बेस आया। और इसको अगर कम करूँगा तो इसमें से HF मतलब हाई फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अभी इसमें अगर हाई फ्रीक्वेंसी डालता हो तो ये अभी इस पे देखते हैं कि ये इको के सार है।
इनको इस तरफ से आ रहा है। ये मेरा इस तरफ से इको साउंड आ रहा था, ये अलग अलग लेफ्ट राइट का मेन इको है। अगर इस तरफ का बनाएंगे तो लेफ्ट में से आएगा, अगर इस तरफ से करेंगे तो ये राइट में से मतलब आएगा दोनों का। और ये इसका इको को अलग अलग सेट कर सकते हैं हम, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर इसका वोकल कैसा साउंड आता है, वो सब ताम झाम आगे देखेंगे। बराबर, तो आप कमेंट करके बताना कि कैसा साउंड आ रहा है इसका। बाकी हेडफोन लगा के सुनना तो पता चलेगा।